प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत बागली अनुविभाग में सोमवार के दिन बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया गया। बागली अनुविभाग के अंतर्गत लगभग 50 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जहां पर उत्साह के साथ वैक्सीनेशन किया गया, जिस दौरान 15,000 का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन सेंटरों पर सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए काफी भीड़ देखी गई, तो वहीं चापड़ा के वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह 7 बजे से ही ग्रामीण पहुंचने लगे, जहां पर बड़े पैमाने पर भीड़ देखी गई। 18 प्लस एवं 45 प्लस के लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में युवा चापड़ा वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाने के लिए उत्साह के साथ पहुंचे। वहीं अपने नंबर का इंतजार लगभग 2 से 3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहकर करना पड़ा, तो वहीं बड़े पैमाने पर महिलाएं भी पहली बार इतनी संख्या में कोरोना वैक्सीन टीके लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पहुंची। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। शासन ने आज जैसे योग दिवस का दिन 21 जून, इस दिन को महा जो है वैक्सीनेशन के रूप में, महासंग्राम के रूप में मनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। इस दिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने का हमको लक्ष्य मिला था। बागली अनुभाग को 13,000 का लक्ष्य मिला था, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम लोगों ने जो है सेंटरों की संख्या बढ़ाई। लगभग 50 सेंटर पूरे बागली अनुभाग में हमने बनाए, और लगभग हमको 13,000 डोज मिले, और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि दिन भर में जो है आज 13,000 डोज सभी को लग जाए और हमारा जो है लक्ष्य पूरा हो जाए। सर आगे भी क्या वैक्सीनेशन की क्या स्थिति रहेगी? आगे भी हमें अच्छे डोज मिलने की संभावना है, और हम लोग इस हफ्ते में जो है बड़ी बड़ी कुछ पंचायतों को भी 100% उनका वैक्सीनेशन करेंगे। हमारी बागली नगर पंचायत है, उसको भी 100% वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।